वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप घर पे रह के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो चलिए अपने लेक्चर्स की तरफ। अभी तक के लेक्चर्स में हमने हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम हमारा क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था, हमारे जो वेरिएबल्स आए थे, हमारी जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई थी, हमने उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया था। उसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर करेंगे। जो हमें इक्वेशन दी होगी उसमें भी हमने सेम जो पहले क्वेश्चन किया था हमने उसी की तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक प्रॉपर परफेक्ट उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो फाइंड करनी है और उन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके शो करना है। ये हमारी इस 3.1 एक्सरसाइज के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए क्या कहता है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। यानी कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच होता है वो क्या करता है, वो 3 बैट लेता है और 6 बॉल 6 गेंद लेता है। तो कितने रुपीज़ की लेता है वो, 3900 रुपीज़ की। यानी कि कितने की, 3900 रुपीज़ की। वो 3 बैट लेता है और 6 गेंदे लेता है यानी बॉल्स लेता है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। उसके बाद वो क्या करती है कि एक और बैट ले लेती है और 3 और बॉल ले लेती है। ठीक है, 3 ज़्यादा बॉल, 3 एक्स्ट्रा बॉल और एक और बैट ले लेती है। तो उसके जो है सेम ही प्राइस पे लेती है। वो कितने का उन्हें पड़ता है, वो होता है ₹1300 का। ठीक है, अब हमने इसके अंदर दिखाना क्या है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमने इस सम को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, आपको इसे रिप्रेजेंट एक तो थ्योरेटिकली करना है और एक प्रैक्टिकली करके दिखाना है। थ्योरेटिकली होगा तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह क्या लिखना होगा, लेट मान करके हमें लिखना होगा। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹x। जो चीज़ हमसे पूछी जाती है हमें उसी को लेट करना होता है। ठीक है, ये हमने कितना मान लिया, ₹x है हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या लेट करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ किसका, किस चीज़ की बात हो रही है, बैट और बॉल की हो रही है ना, तो उसकी हम क्या मान लेंगे, ₹y। जैसे हमने फर्स्ट सम के अंदर एक्स और वाई लेट किया था उसी तरह हम इस सम के अंदर भी एक्स और वाई लेट करके करेंगे। सो हमें नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या लिखनी है, वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारा जो सम है उसको सॉल्व करना है। सो हमारा फर्स्ट इसमें देखिए कंडीशन क्या दी हुई है इसने, कि उसने क्या बोला है, 3 उसने क्या लिए बैट और 6 उसने क्या ली बॉल्स। तो हमारा यहाँ पे कितना है, बैट हमारे पास कितने हैं, उसने 3 दिए हैं, तो हम यहाँ पे 3x प्लस 6y कर लेंगे, क्योंकि 6 उसने क्या ली हैं, बॉल्स ली हैं। और कितने रुपीस के लिए हैं वो, 3900 रुपीस की उसने ली हैं वो। सो यहाँ से देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, हमें यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो निकाल लेनी है। सो हम यहाँ पे x कितना करेंगे, देखिए यहाँ पे 13 हम इस साइड कर लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3900 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक मिनट के लिए आप इसको भूल जाइए, हम फोकस करते हैं 6y पे। सो यहाँ पे हमारा निशान जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6y। अब बस 3 पे फोकस करते हैं। यहाँ पे 3 देखिए मल्टीप्लाई में है, और मैं हमेशा बोलती हूँ जब कोई भी नंबर या इक्वेशन हमारी लेफ़्ट टू राइट जाती है उसके साइन और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 3x3 क्या किस चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो वो जब यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड आएगा, जब वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन से वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या मिल गई है, हमारी एक्स की वैल्यू मिल गई है, लेकिन ये एक प्रॉपर और परफेक्ट वैल्यू नहीं है।
अब नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी, और वो निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें y के अंदर वैल्यूज लेट करके करेंगे, और उसी तरीके से हम हमारी x की वैल्यू जो है वो निकालते चले जाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे ये इक्वेशन दी हुई है इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसा कि हमने हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले उसे जाकर देखें, क्योंकि आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक उसको कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन, एक्स हमें दे दिया गया है ये, अब हमें क्या करना है वाई के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। हम यहाँ पे हमारी वही सिंपल सी एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम हमारी वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा एक्स और ये वाई, हम यहाँ पे हमारी वाई और एक्स की वैल्यूज़ रखते जाएंगे और उनको निकालते जाएंगे। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे वाई को अगर हम कोई मान के चलेंगे तभी हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो आती चली जाएंगी। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले कोई भी, अब हम यहाँ से शुरुआत जो है 1, 2 या 3 ये सब नंबर रखने से नहीं करेंगे, उसके पीछे का एक कारण है। वो कारण क्या है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1, 2 या 3 या ऐसी कोई भी छोटी टर्म रखोगे तो आंसर जो है हमारा वो काफ़ी लंबा आ जाएगा। आएगा ज़रूर लेकिन बहुत ही लंबा आएगा, बहुत यहाँ पे नंबर जो है वो बहुत बड़े बड़े आएंगे, आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो बेटर यही होगा कि हम यहाँ पे हमारी जो है बड़ी संख्याएं लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यूज़ आएंगी वो छोटी आएंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मान लीजिए हम वाई की वैल्यू का क्या रखते हैं 500, अगर हमने वाई की वैल्यू 500 रखी तो हमारे पास क्या आया, देखिए 3900 हमने लिख लिया माइनस 6, यहाँ पे कितना माना हमने 500 डिवाइड में कितना है 3 है। सो इसको सॉल्व करते जाइए, 3900 माइनस 6 5 जा कितना होता है हमारा 30, ठीक है 30 हो गया, ये 20 यहाँ पे आ जाएंगी डिवाइड में 3। अब देखिए 3900 में से जब 300 जाएगा, सॉरी 3900 में से जब 3000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 900 बचेगा। सो डिवाइड में 3, ये इससे कैंसिल हो जाता है, कितना आता है यहाँ पे हमारा 3 3 9 और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 300 यानी 300। तो हमारे पास जब हमने y की वैल्यू 500 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 300। उसी तरीके से आप नेक्स्ट करके जाइए, हमने यहाँ पे पहली टर्म हमारी क्या रखी थी 500, अब आप 600 रख के देखिए, 600 रखने पे आपकी क्या आएगी। इसी तरीके से आपने इसको करते जाना है और आपके जो नंबर्स होंगे वो कुछ इस तरीके की आपको जो है वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी, ठीक है। आपको ये यहाँ पे पुट करनी है और सिंपल आपकी एक्स की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। अब ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन के नंबर्स, परफेक्ट नंबर आ गए हमारे पास एक्स के। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड हमारी कंडीशन थी ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, अब हमारी जो सेकंड कंडीशन है जिसके अंदर उसने बोला था कि उसने 3 और ज़्यादा बोले ली और एक बैट लिया है उसी सेम प्राइस पे, यानी कि 1300 में उसने लिए हैं, तो उसको हम उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा वही सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं बोलती हूँ इससे आपको नंबर्स मिलने में आसानी रहती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी क्या कंडीशन है उसके अंदर, कि उसने क्या बोला है कि उसने एक बैट लिया, बैट की वैल्यू कितनी है एक्स, और उसने क्या ली है 3 बॉलें ली हैं, तो 3y कितने रुपीज़ की हैं वो 1300 की, यानी कि 1300 रुपीज़ की हैं। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वही 1300 हमारा इस साइड होगा, ये प्लस में है ये इधर माइनस में आ जाएगा। सो सिंपल, ये तो बहुत ही छोटा था, ये हमारे पास क्या आ गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब इस सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसकी भी एक सेम वही हमने टेबल बनानी है।
टेबल बनाने के बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो निकालते जाना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर भी जो वाई की वैल्यू है वो हम बड़ी ही रखेंगे, ताकि बड़ा नंबर आने पर 1300 में से जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक छोटी टर्म यहाँ पे आ सके, जिसको हम ग्राफ पे अच्छे से रिप्रेजेंट उसको कर सकें। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं 1300। अब देखिए 1300 हमने लिया, यहाँ पे 300 हमने लिया, x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 3 9 900। जब ये इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 400, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। सेकंड मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ, देखिए हमने 300 लिया, अब हम 200 लेके देखते हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी वैल्यूज़ अपनी अपने मन से भी कर सकते हैं इसको, आपके मन में जो भी वैल्यूज़ हों, बट आप उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सके ऐसी वैल्यूज़ ज़रूर लेना। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे हमने 200 लिया, यहाँ पे वही सेम 3 2 6 600 आया। जब भी इसमें से माइनस होगा कितना बचेगा हमारे पास 700, ये कितना आ गया 700। अब नेक्स्ट देखिए, हमने 1300 लिया माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे ना 3। अब मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या लेके चलती हूँ, देखिए मैंने 300 से 200, अब मैं 100 पे जाती हूँ। 100 अगर मैं वाई की वैल्यू 100 लेके चलती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 1300 माइनस 300, माइनस हो गया कितना बचेगा 1000 यानी 1000। तो यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी आ गई इसकी 1000। देखिए ग्राफ में रिप्रेजेंट आप कहोगे कि ये तो बड़े बड़े नंबर्स हैं, कोई बात नहीं, अब ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना देखिए कितना आसान होगा, क्योंकि ये नंबर एक ही सीरीज़ के हैं, 400 700 हज़ार एक ही सीरीज़ के अंदर आते हैं, इनके अंदर गैप जो है वो मिनिमम 100 का तो ज़रूर है। तो हम एक 100 जिसके अंदर डिफरेंस हो ऐसा ग्राफ हम क्रिएट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन 1 और 2 आई थी उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, देखिए हमारे पास जो कंडीशंस आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी और सेकंड कंडीशन हमारी ये थी। अब इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लेना है, ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्राफ कुछ इस तरीके से आपने बनाना है। देखिए अब आप कहोगे 1000 तक कैसे चले गए, फर्स्ट सम में हम 1000 तक नहीं गए थे। आपको क्या करना है, आपने जो वैल्यूज़ आई हैं वाई एक्स की वैल्यू कहाँ तक है हमारी मैक्सिमम, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 300 तक है और यहाँ पे कहाँ तक है 1000 तक है। तो हम जो एक्स है उसको क्या करेंगे 1000 तक लेके हम उसको जाएंगे। उसी तरीके से हम हमारी वैल्यूज़ देख लेंगे कि वो मैक्सिमम कहाँ तक गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स देख लीजिए क्या आए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। सो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारा एक्स क्या दिया उन्होंने 300 इन्होंने दिया है, ठीक है। एक्स हमारा देखिए 300 कहाँ पे है यहाँ पे, और वाई की वैल्यू कितनी है 500, यानी कि 500 हमारा ये हो गया और 300 ये, यानी कि पॉइंट्स जो है हमारा वो यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है। सेकंड में देखिए इन्होंने कितना दिया है हमें, एक वाई हमारा होगा 600, यानी कि जो वाई वाली लाइन है ये वाली यानी 600, और हमारा एक्स कितना होगा 100। अब ग्राफ पे देखिए 100 हमारा यहाँ पे है और 600 हमारा यहाँ पे है, तो पॉइंट्स हमारा कुछ यहाँ पे आएगा। अंडरस्टूड, आपको ये पॉइंट्स तो आ गए होंगे मेरे ख्याल से। थर्ड देखिए इसमें क्या है, जो वाई है हमारा 700, यानी हमें वाई वाली लाइन देखनी है। वाई में हमारा देखिए 700 यहाँ पे है और -100 माइनस में, यानी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा, इस डायरेक्शन में आना होगा। तो 700 हमारा ये हो गया और 100 हमारा ये हो गया माइनस का, तो पॉइंट्स कुछ हमारा यहाँ पे आएगा 700 वाई और माइनस का एक्स यहाँ पे। सो अब अपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को जॉइंट कर देना है। जॉइंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सो ये हमारी क्या होगी, हमारी फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन हमारी जो आई थी हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू
3 3900 - 6y में कितना आया था हमारा 3। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इनको इनके पॉइंट्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्योंकि हमारी इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। y इन्होंने दिया है हमारा 300, यानी कि y जो है हमारा कितना है 300, यानी कि कुछ यहाँ पे। और देखिए x कितना दिया है इन्होंने हमें 400, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, x इन्होंने कितना दिया है हमें 400, यानी कुछ यहाँ की बात हो रही है। फिर बात हो रही है y की 300 की, यानी जो हमारा पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, सेकंड उन्होंने दिया है हमें यहाँ पे देखिए x जो है 700, यानी कि x जो है वो यहाँ पे, इसकी बात हो रही है 700, और y 200, यानी कि जो पॉइंट्स है वो कुछ यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है, 200 के पास। अब देखिए y इन्होंने दिया है 100 और x दिया इन्होंने 1000, यानी कि कुछ यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो ये आएगा। इन तीनों का भी क्या करना है, आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ होने के बाद आपकी ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकंड कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन भी लिख लीजिए, एक्स इज इक्वल टू कितना आया था 1300 - 3y, यानी कि 1300 - 3y, ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। हमारे फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनके पॉइंट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ग्राफ जो है वो आपको x और y की वैल्यूज़ जो होंगी उसके अकॉर्डिंग आपने आपको सेट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लाइंस कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं ली हैं, जिनकी मुझे ज़रूरत थी सिर्फ मैंने उन्हीं लाइंस को बड़ा किया है। थोड़ी बहुत हल्की मिस्टेक्स हैं इसमें, आप उसको इग्नोर करें, वो आप अपने आप से अच्छे सुंदर सुंदर सी राइटिंग में और बिल्कुल क्लियर उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ मुझे इनकी नीड नहीं थी, मैंने इनको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया, मुझे सिर्फ एक्स और वाई की नीड थी इनको एक्सटेंड करने की, इसलिए मैंने इन लाइन्स को बड़ा रखा और इनको। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके और वो भी अपने इस हॉलीडे सेशन में इनको देख के इनसे जो है फ़ायदा और अपनी जो स्टडी है वो अच्छे से कर सके। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।